नमस्कार। तो आज आप हम फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर रिटेल की बात की जाए तो 3 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है फ्यूचर रिटेल स्टॉक। तो यहाँ पे हमने पहले काफ़ी बार कहा था कि यहाँ पे एक जो अच्छा स्टॉक है इसमें निवेश कीजिए, इसमें आपकी पोजीशन होगी तो यहाँ पे आप देख सकते कि उछाल आते तो निकल के एक अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली एज वेल एज यहाँ पे टेक्निकली भी देखा जाए तो काफ़ी वीक स्टॉक है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल। और फ्यूचर रिटेल में भी डेप्ट रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम चालू है। अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए जो कर्जा एंड के जो डेप्ट लिया था वो कंपनी फिर से नहीं दे पाई, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी बार पिछले 1 सालों से काफ़ी बार स्टॉक बैन भी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी चालू है इसके ऊपर, इसी के कारण यहाँ पे स्टॉक काफ़ी वीक भी नज़र आ रहा है। तो इससे अच्छा आप अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद भी रहती थी। तो आपके एनालिस्ट से पूछ कर आप फैसला ले सकते हैं। वैसे भी आज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्लिच यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि आज जो छुट्टी थी बकरी ईद की वो कल रिवाइज हो चुकी है, इसी के कारण ग्लिच हो चुका है। मार्केट कैप तो 162 करोड़ का है और 1 महीने की भी मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई है। चार्ट के ऊपर भी देखा जाए तो देख सकते काफी यहाँ पे आप थोड़ा दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, कोई खास मोमेंटम नहीं है। पोजीशन फंसी होगी तो आप देख सकते कि उछाल आते हैं तो निकल सकते हो एनालिस्ट से पूछकर आपके।